दोस्तों हार्डवेयर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड फोन की बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो आपको किसी ने भी सॉल्व करके नहीं दिया होगा, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा आपके मोबाइल के अंदर, सबसे ज्यादा बैटरी का ही प्रॉब्लम होगा, है ना, आपके मोबाइल के अंदर बैटरी का प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे आप इंक्रीज कर पाएंगे और हद से ज्यादा दिन तक आप कैसे यूज कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप अपने मोबाइल की फुल चार्ज कर देते होंगे या एक घंटे दो घंटे के बाद आप कुछ भी यूज नहीं करते अपने मोबाइल के अंदर, और अचानक से आपका मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन जब से मुझे ये सेटिंग पता चला ना, तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गया और मैंने सोचा कि आपको भी पता चले ये सेटिंग के बारे में और अपने मोबाइल की बैटरी को इंक्रीज कर पाए और एक से लेकर दो दिन तक आप बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग की मदद से। अगर दोस्तों जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो चलिए मैं आपको बता देता इस वीडियो के अंदर, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन, और चले मैं आपको बता देता कि वो कौन सी सेटिंग मुझे पता चल गया, जिससे के लेके आप 24 से लेके 48 घंटे तक अपने मोबाइल की बैटरी को आप यूज कर पाएंगे अगर आप एक बार फुल चार्ज कर देते हैं। तो अगर दोस्तों जानना चाहते तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, जो बिल्कुल फ्री होता है। इतना कमाल की मैं सेटिंग बताने वाला जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, तो लाइक तो बनता ही है। चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहाँ पे बेल आइकन होगा इसे दबा दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में लिखे बैटरी ट्रिक। जी हाँ, कमेंट में लिखे बैटरी ट्रिक। बस ये छोटी सी काम करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर क्या करना होगा, सेटिंग के अंदर जाना होगा। जो भी मैं सेटिंग बताने वाला हूँ सभी मोबाइल के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो सैमसंग का फ़ोन है तो सेटिंग आपको सभी मोबाइल के मिलेगा, लेकिन जिसके पास सैमसंग का है ना, उसके मोबाइल के अंदर तो 100% आपको ये सेटिंग देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाना होगा और यहाँ पर जाना होगा अवॉर्ड फोन में, देख सकते हैं यहाँ पर अवॉर्ड फोन में जाना होगा। और जाने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे बिल्ट नंबर को 7 बार दबा दीजिए। दबाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, डबल पर ऑप्शन सेटिंग निकल जाएगा जो हिडन होती है। दोस्तों मैं जो सेटिंग बता रहा वो सेटिंग बिल्कुल नहीं है, आप जो सोच रहे ना वो सेटिंग नहीं बताने वाला, कुछ हटके बताऊंगा जो इसके अंदर आपको मिलेगा, आप सभी को नहीं पता होगा। तो आपको डबल पर ऑप्शन में जाना होगा, जाने के बाद ये ऑफ होगा तो इसे अनेबल कर लीजिए। अनेबल करने के बाद यहाँ पर ऐप्स का सेटिंग मिलेगा, तो चलिए यहाँ पर ऐप्स का सेटिंग देख लेता हूँ कि कहाँ पर ऐप्स का सेटिंग है। नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा ऐप का सेटिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐप्स, यहाँ पे देख रहे हैं ऐप, यहाँ पे लिखा AWP, तो यहाँ पे सेटिंग मिल चुका है। सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट बैकग्राउंड पोर्सेज, इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पे होगा तो आपको नो बैकग्राउंड पोर्सेज क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इससे करने के बाद आपको पता है, सोच ही भी नहीं सकते हैं कि इतनी मोबाइल की बैटरी आपको इस वजह से खाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर नो बैकग्राउंड पोर्सेज कर लेते हैं तो आपके मोबाइल कि जो बैटरी परसेंटेज है ना, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो आपके आंखों पे विश्वास नहीं होगा। आप ये सेटिंग को अनेबल करके देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि पहले कितना देर चलता था और अभी कितना देर चल रहा है। जी हाँ, तो ये सेटिंग को जरूर अनेबल कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूं जिसको भी आपको अनेबल करना होगा। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको सर्च करना होगा जिसका नाम है बैटरी, यहां पर सर्च करना होगा। तो यहां पर बैटरी को सर्च कर लेता हूं, यह रहा बैटरी, इसको कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने दीजिएगा। जैसे लोडिंग होने के बाद यहां पे देखेंगे कि 85% है जो यहां पे 24 घंटा में लगातार यूज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों इसको एक सेटिंग में क्लिक करूंगा ना, जिससे कि यहां पे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो आपके आंखों पे विश्वास नहीं होगा। मैं इस घंटा को यहां पे बढ़ा सकता हूं ताकि मैं अपने मोबाइल की बैटरी को यूज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं MID, इसको क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लीजिए। जैसे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइम था ना वो टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 23 घंटा था लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं एक दिन 5 घंटा में लगातार बैटरी को यूज़ कर पाऊँगा। यानी दोस्तों
यानी दोस्तों यहाँ पे 7 घंटा एक्स्ट्रा मैं यूज़ कर पाऊँगा। जो यहाँ पे बैटरी परसेंट देख रहे हैं, बैटरी को मैं यहाँ पे 7 घंटा एक्स्ट्रा मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो है ना बहुत ही कमाल की सेटिंग। तो ये सेटिंग को, दोनों सेटिंग को आपको अनेबल कर लेना होगा, और जैसे अनेबल कर लेंगे ना तो अपने मोबाइल की बैटरी को 100% आप 24 से लेकर 48 घंटे तक आप यूज़ कर पाएंगे, बशर्ते आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज करने के बाद। जी हाँ, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।